चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरें। अयोध्या, अवैध तरीके से सब्जी व्यापारी के दुकान को खाली कराया गया। अयोध्या जिले के कोतवाली नगर में स्थित नवीन मंडी में बीती रात सब्जी व्यापारी के दुकान का ताला तोड़कर लाखों के प्याज व लहसुन को किया गया गायब। इसकी सूचना कोतवाली नगर में 7 लोगों के खिलाफ तहरीर के द्वारा दी गई। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला मंडी परिषद का है। आपको यह भी बताते चले कि सरकारी संपत्ति को खाली कराने का यह मामला है। सब्जी व्यापारी मोहम्मद शमीम ने बताया कि मंडी समिति के द्वारा दबंगई के पल पर बिना सब्जी व्यापारी को सूचना दिए गए सब्जी व्यापारी से मंडी सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि नीरज श्रीवास्तव, हरीश सोनकर सहित अन्य 7 लोगों ने दुकान में रखे नकद 60,000 रुपए व करोड़ों के प्याज लहसुन आदि को गायब कर दिया है। वहीं व्यापारी के पूरा व्यवसाय को बर्बाद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि रात 7:30 बजे बिना फोर्स के यह दुकान कैसे खाली हुई। जब इस मामले पर फूड इंस्पेक्टर नीरज कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सब्जी व्यापारी को सूचना दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने खाली नहीं किया। इसके उपरांत मंडी सचिव समिति के द्वारा 70 बोरा लहसुन, 30 बोरी प्याज, 80 बोरी आलू रात में बिना बताए दुकान का ताला तोड़कर, चैनल का ताला तोड़कर यूं ही दीवार रिंगटोन खाकर काउंटर कुर्सी तक नहीं छोड़ा, सब कुछ उठा ले गया। चबूतरा नंबर 6 और दुकान नंबर 16 को हम अखिलेश श्रीवास्तव से एक इकरारनामे पे 20/4/13 को उनसे हमारा उससे हमने लिया एक इकरारनामे, और उसके बाद उसने 7-8 साल के बाद उसने एक तहरीर पूरा नवीन चौकी में दिया। दरोगा आरपी सिंह, 2-3 दिन के बाद सूचना हुई कि आप का एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आप चौकी पे आए। तो हम 1-2 दिन बाद चौकी पे गए तो उन्होंने कहा आपका क्या मामला है 16 नंबर दुकान से। तो हमने कहा सर 16 नंबर दुकान हमने अगले श्रीवास्तव से इकरारनामे पे लिया है, वही मामला के वो तब यही बातचीत हुई। कहीं वो तो वहाँ से वो कह रहा मेरा उसको खाली कराने के लिए तो वो आई हुई है। तो हमने कहा सर वो इकरारनामा है हमारे पास, कागज है, आप देख लीजिए, आप वो भाई जो सही है क्या गलत है आप उसको तय कर सकते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो यही है। तो सर से कहीं ठीक है, तो वो अपन लिख पढ़ के वो चले गए। उसके बाद ये मामला न्यायालय को गया। न्यायालय में हमने हम एक एप्लीकेशन ने इसकी तहरीर मुकदमा कराया। वो अपना पूरा बायोडाटा लेके न्यायालय गए तो न्यायालय से हमको मुकदमा का वो मिला, और मैं आपको दिखा दूँ मुकदमे की वो। और उसके बाद सर कल रात में करीब 7:30 बजे कुछ मंडी के कर्मचारी, सारे कर्मचारी लोग रात में बिना सूचना के, बिना कोई सूचना के, बिना कुछ, वो रात में 7:30 बजे मेरे दुकान के चबूतरा नंबर 6 और 16 के नंबर दुकदाम की रात में आए सारे लोग, पूरी तरीके से ताला तोड़ के सारे सामान को लूटपाट करके लेके चले गए। और 6 बोरी अदरक और 6 बोरी आलू लाल और 6 बोरी सफ़ेद,
आप थोक में बेचते थे कि फुटकर में? फुटकर में। फुटपाथ पे? हाँ फुटपाथ। और काटा, दो काटा रखे थे, एक छोटा एक बड़ा। आप कभी चोरी हुआ है? और तख्ता भी बाहर यहाँ रखे थे, वो उठा लिया। लगभग कितने सामान था? करीबन करीबन 30-35 हज़ार का सामान था। क्या नाम आपका? निशान रहना। 12 नंबर दुकान पे हमारी दुकान है, आगे पड़कर हम दुकान लगाते थे। ये हमारे चच्चा हैं, इंसानियत के तौर पे हमें सामान जिसे हमारा बच जाता था तो नहीं किसी गोदाम में रखते थे। तो हमारा भिंडी था, बीन था, परवल था, करेला था, सामान बचा हुआ था यहाँ पे रख दिए थे कि अगले दिन बेचेंगे। सुबह आके देख रहे हैं कुछ है ही नहीं, सारे सामान यहाँ से जाए। कैसे पता चला आपको कि सामान चोरी हुआ? अब जब यहाँ पे आए तो देखा सब कुछ जड़ा, ताला टूटा था, जाली वगैरह सारी निकली हुई थी, सामान गोदाम में कुछ था ही नहीं। अब पता चला कि जो है रात को ऐसा ऐसा हो गया है, मंडी समिति वाले उठा के ले गए थे सामान। नाम जानते हैं किन लोगों को फोन लेके गया, नाम बता सकते हैं? नीरज श्रीवास्तव। और लोग का हम जानते नहीं है, हम दुकान लगाते हैं फुटकर में जिसे फड़ियागिरी करते हैं, तो नाम हमारा तो कोई टर्म्स है नहीं मंडी समिति से, बस इतना नहीं। आपका क्या नाम है, कौन सा स्थान है ये? क्या नाम है आपका, कौन सा स्थान है? मेरा नाम मोहम्मद सुराब है और आगे दुकान लगाते हैं।